हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप्स आप बहुत बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से AMS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने चंडीगढ़ पुलिस के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे, तो आज उसका पार्ट टू हम लेकर आए हैं। मतलब चंडीगढ़ पुलिस में पिछले एग्जाम में 35 क्वेश्चन आपके जो आपको देखने को मिले थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ आज कंप्लीट करेंगे आज की इस क्लास में। मुझे उम्मीद है कि जो पिछली क्लास आपने आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, आज भी हम ऐसे ही कोशिश करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से समझना इन चीज़ों को कि बाकी के जो उस एग्जाम के क्वेश्चन हमारे जो बचे हैं वो कैसे आएंगे, कैसे सोल्व होंगे। आपको जो है आपके पीछे क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वेश्चन एनालॉजी का, तो मैंने कल भी आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एनालॉजी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप है ना बेटा 5-6 टॉपिक को है ना बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन, सीरीज है, मिसिंग टर्म है, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट टेस्ट पक्का है ही। ये 5 या 6 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। 35 क्वेश्चन आपके आने हैं, 35 में से 20 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आपको कह रहा, लेकिन क्वेश्चन बड़े आसान आए थे पिछले, ठीक है। और धीरे धीरे हम जो है अभी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो लेवल कोई एग्जाम के क्वेश्चन। बेटा देखिए आज का क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड टू 4, देन द हेक्सागोन इज, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बेटा चतुर्भुज, चतुर्भुज का रिलेशन है 4 से, चतुर्भुज का रिलेशन 4 से क्या हुआ? चतुर्भुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं, हेक्सागोन का मतलब क्या होता है? हेक्सागोन एक आकृति में कितनी भुजाएं हैं? क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, हेक्सागोन हैज 6 साइड्स, आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का रिलेशन 4, हेक्सागोन का 6 से होगा, हेप्टागोन का 7 से होगा, ऑक्टागोन का 8, ट्रायंगल का, इस तरीके से सेकंड का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, थर्ड सेकंड इसमें लगने ही नहीं है ना। तो चलिए पर क्वेश्चन हम कर टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना बेटा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर एंड दैट कम फर्स्ट। बेटा देखिए ये जो आपके पास जो 4 शब्द हैं, यहाँ पे 4 वर्ड, पेंडल कैंसर है, तो ये जो 4 शब्द आपको दिए गए हैं डिक्शनरी के ऑर्डर में आपको नजर आए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डिक्शनरी ये हालांकि सारे के सारे कहां से स्टार्ट हैं? सेकंड लेटर सब में क्या है? ए है, नहीं चले। थर्ड लेटर सब में एन, नहीं चले। फोर्थ लेटर में यहाँ पे डी, यहाँ सी, तो फोर्थ लेटर थोड़ा सा गड़बड़, फोर्थ लेटर में यहाँ डी आया, यहाँ सी आया, यहाँ और सी वाले हमारे पास बाद ई, बाद ई हमें सेम, लास्ट वाला लेटर इसमें आर है, आपको बता आर पहले, सिंपल बात है कि एल पहले आए, डिक्शनरी के, ठीक है। तो कैंसिल, कैंसिल के बाद हमें मिलेगा कैंसर, तो सबसे पहले फोर्थ मिलेगा, उसके बाद मिलेगा थर्ड, और उसके बाद बेटा फर्स्ट मिलेगा, लास्ट में मिलेगा आपसे। ठीक है क्या आपका सर बताने के बाद क्लियर है? नंबर नेक्स्ट आपका जो एनालॉजी का देख लो,
आया था एग्जाम में, तो देख लेते हैं टीई का रिलेशन एनालॉजी से रिलेटेड का रिलेशन कैसे है पर का किससे इसका रिलेशन बात आ जाती है तो प्लस माइनस ये सब अब सारी चीजें। तो अगर सी से बी का रिलेशन करें तो माइनस वन हुआ है, डी से करें तो माइनस, सब में क्या हुआ है माइनस। देखो सिंपल है, माइनस वन लेस करेंगे तो ओ से स्टार्ट होने वाला हमारा आंसर होगा। देखिए ओ से स्टार्ट एक ही ऑप्शन होगा, यहां से इतना ही करिए, नहीं तो हम करेंगे क्यों पहले पी आर से पहले, तो वन माइनस करने से ओ आया, ऑप्शन स्टार्ट हो रहा ना ये हो रहा है, बस ज्यादा सोल्व करने की ये ध्यान रखना है। के बाद अगले ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वही टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, चंडीगढ़ पुलिस दिल्ली पुलिस में भी सीरीज है बेटा, इसको सॉल्व करना है। डी सी एच जी एल तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे किया बड़ा आसान सा होता है, ध्यान दीजिए जब जो इस सीरीज का फर्स्ट लेटर बेटा डी का नंबर कितना होता है, एफ का 6 होता है, का 8 होता है, का 10 होता है, 4 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और का नंबर क्या आएगा एन से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा मेरा। अगर एग्जाम की आप अपना आंसर यहां तक बता सकते हैं, पहला लेटर 4 6 8 10 12, आप सेकंड लेटर की आंसर क्या आएगा 3 तो 5 5 7 7 और सेकंड लेटर को सेकंड से कंपेयर किया, थर्ड प्लस 2 12 12 प्लस 10 10, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से सीरीज बनानी है, सेकंड लेटर की सेकंड से बनानी है, थर्ड की थर्ड से बनानी है, फोर्थ से बनानी है। लेटर सीरीज में ऐसा ही होता है, कर दीजिए अल्फाबेट सीरीज में ऐसा ही होता है, फर्स्ट लेटर से तर मिल गया था, बाकी करने की फिर से बेटा एनालॉजी का क्वेश्चन आया था, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन आया था आपके सामने है, ठीक है। फिर का है 5 इज रिलेटेड टू 125 का रिलेशन 5 से 9 का किससे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम मेरे हिसाब से ज़्यादा समय जब भी आप एनालॉजी सबसे पहले याद रखना आपको कम से अगर आप 1 to 30 तक के स्क्वायर याद कर लें, रेस्ट वैल्यूज की अगर आपको याद हो स्क्वायर क्यूब आपके लिए है। जैसे 125 5 का क्यूब कोई भी नंबर आपको एनालॉजी टॉपिक में दिखे, नंबर एनालॉजी में खासकर या सीरीज के या क्लासिफिकेशन, तो आपको ये देखना कि ये नंबर किसके स्क्वायर का नियरेस्ट वैल्यू है या किसके का नियरेस्ट वैल्यू है, अगर ऐसा मिल जाएगा तो आप अच्छे से 5 is related to 125 कैसे 5 का रिलेशन 5 को लिखा 5 का क्यूब 9 का रिलेशन 9 के क्यूब और 9 का क्यूब 5। अब ये यही क्वेश्चन यहां से ही बन जाएगा, मान लीजिए मैं 5 is 9 के, मान लीजिए क्वेश्चन यहीं से बन जाए,
जब हमें ये क्वेश्चन याद है या ये चीजें हमें याद हैं तभी तो कर पाएंगे हम। 5 से 120 बनाने के बहुत सारे तरीके। 5 क्यूब माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 क्यूब माइनस 9 ना, 9 क्यूब सारी चीजें तो सोल्व कर पाएंगे। दो चार चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से क्या क्वेश्चन आता है, कई बच्चे खड़ा सा मुंह बना आपसे ही क्या है सीरीज 50 36 9 और बताना है बात बताइए का जो एक सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो मेरे हिसाब से होते जाएंगे। अब एक बात सिंपल मुझे समझ गए, 43 डैश और तो बड़ा सिंपल तरीके से हम सोचते हैं ना, ये क्रम में पर घट रहा है वो भी ज्यादा ज्यादा पहचानना होता है, थोड़ा करके घट रहा है तो ट्रेन से आप चेक कर 7 -7 -7 -7 आएगा राइट आंसर। आपको ये आसान लग रहा है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, रियलिटी में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन ऐसे हैं चंडीगढ़ पुलिस आए थे अभी वही क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हम आगे करेंगे वो पर अगर एक आएगा शायद पैटर्न के साथ चेंज हो क्या कुछ आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हम फिलहाल हम प्रीवियस आप सोच सकते हो अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो या नहीं। आपको कैलेंडर का क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन ये कही अभी नहीं कुछ में क्या बोल रखा है बेटा, द सिक्स्थ ऑफ ए मंथ फॉल्स ऑन, तब ये बोल एंड दैट मंथ फॉल ऑन आपको बता को अगर ट्यूसडे है बेटा तो 24th को क्या होगा ये आपको बता, और कोई भी महीना हो सकता है किसी भी तारीख को, मंथ अगर चेंज होगा तो कुछ क्या, अगर मंथ भी क्या होगा एक ही चीज, अगर 6 तारीख को मंगलवार है 7 दिन बाद फिर से बार ही आए, आज ट्यूसडे है 7 दिन बाद फिर से साथ साथ का डिफरेंस, हमें एक ही काम करना है इन दोनों डेट में जितना भी डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है का डिफरेंस है 8 और में 8 का गैप है, 3 डेज का क्या है गैप है, आगे बढ़ 10 है ना। अब 8 अगर इसमें मैं प्लस कर दूं, लेकिन 18 प्लस नहीं करना ना, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा 7 का 4 बचा कितना, कि अगर मैं 8 डेज की बात करूँ बार तो फिर चार दिन आप इसमें ऐड कर दो, सैटरडे
मेथड हैं कई ऐसे, प्लस प्लस में आएगा तो प्लस करेंगे के बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना था इस क्वेश्चन, ध्यान दीजिए एक बार। The weight of three boxes are two, तीन बॉक्स, तीनों का जो वेट है 27 and which of the following can note the weight of, आपको ये बताया गया है can not be the any combination, कौन सा इन बक्सों के किस कुल वजन के क्रम में आप का वेट, कौन सा ऐसा वेट है जो बन सकता, जैसे अगर मैं किसी तो के 18 आ जाएगा, अगर मैं तीन का वेट प्लस कर दूं तो आ जाएगा क्या 16, इनके बारे में देख 7 और 9 को प्लस कर दे तो आ जाएगा 17 आ जाएगा, 7 9 7 2 9 9 7 9 17 आएगा तो ये 7 आ जाएगा, 7 2 ये एक नहीं आए, ये बात आप समझ रहे हो, समझ गए ना। क्वेश्चन अगर देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, नहीं बहुत मिल रहा है, हैप्टिक वर्ड दे रहा है, फ्रॉम द गिवन टेक द वर्ड कैन नॉट बार हम कैन बी फॉर्म्ड और कैन नॉट बी फॉर्म्ड ये लिखा होता है तो इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूर होता है। छोटी छोटी चीजें देखिए, आम के पॉइंट ऑफ अगर मैं बात करूं, आप क्या पढ़ के आते हो या क्या करके आती है, जितना भी किया ठीक किया ये जरूरी है, और जितना ठीक किया अपने हिसाब से किया, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता था वो हुए या नहीं, आपको कुछ टॉपिक ऐसे जिन पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ गलतियाँ होती हैं, स्टेटमेंट पढ़ी जाती है, बड़े टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, बड़े अच्छे अच्छे आसान आसान टॉपिक बहुत बड़ी करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, ध्यान नहीं रहता उनको ये कहाँ आती हैं, कहाँ गलतियाँ कहाँ करते हैं, अगर वो बच्चे को बताई जाएगी तभी तो कुछ, अगर गलतियाँ ही करते जाओगे, मैंने आंसर बताना सिखा दिया ठीक है क्वेश्चन सोल्व करो, स्टेटमेंट में कहाँ आपको कंफ्यूज किया जाएगा, क्या कुछ किया पहचानना, तो हैप्टिक से कौन सा ऑप्शन नहीं सकता ही नहीं, अक्षरों से एक अक्षर को दो बार यूज नहीं करना है पहली बार, ठीक है। तो बेटा सी एच ए पी जाएगा, देखिए एच बन जाएगा, यहाँ से एच ए पी बेस बन जाएगा, सी बन जाएगा, एच आई एस नहीं है, टी सी एच, क्योंकि हैप्टिक वर्ड में आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग का दर्शन हो गए हमें एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लेटर एनालॉजी जो आप बोलते हैं सारे कोडिंग डिकोडिंग के ही है, ये अलग से उसमें से आया है क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में आया, लैक्टोस बताना छोटा सा है वो पैटर्न बताया बड़ा है, कैसे लिखा आप ऐसे लिखा एल एस जेड बी एस एन आर डी क्या बेटा, अब ये इसमें लैक्टोज का कोड है, ये कैसे बनाए तो कैसे बनाया जाएगा ये भी समझिए बेटा। सबसे पहले तो हम लेटर वर्ड है उसको मीनिंग सबसे पहले ये देख, अपोजिट लेटर का कोई पेयर तो यहाँ नहीं बन, बार बार एक ही, अब आप कहोगे जी एक अपोजिट लेटर होता है नहीं बन रहा है प्लस माइनस,
12 नंबर 20 है, यहाँ पे बेटा 11 है, हम इसमें एल को किस में बदला डिग का जब आप कोड बताएंगे डीआईजी का तो माइनस वन करके बताएं 497 पर अगर लिख सकते 4-1 आएगा 9-7-F HF is the right answer option A। बड़े शानदार तरीके आसान तरीके आप इनको कर सकते क्या अच्छे से सोल्व कर सकते हो क्या मतलब वहाँ उधावा उड़ा सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन करना है पहले की का आंसर क्या आएगा लेकिन ये सर्टेन कोड प्लस रिप्रेजेंट माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट डिवाइड डिवाइड रिप्रेजेंट यहाँ पे बनाए है ना ये अपनी आते हैं प्लस माइनस को दिखाता है माइनस मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई को प्लस को दिखाता है। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 / 4 - बट सबसे पहले तो आपको ये जो रिप्रेजेंट के बाद आंसर बता तो डिवाइड रिप्रेजेंट की जगह मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट माइनस रिप्रेजेंट फिर आंसर बन ऑफ की सोल करते हैं सबसे पहले डिवीजन प्लस ऐसे होगा ठीक है। अब देखो बेटा फेल मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 = 20 आएगा जो ठीक है और अब सो आपको समझ आ गया होगा बातें अभी एग्जाम में जब ये आया था तो कितना आसान आया था एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे सॉल्व बार जब ये क्वेश्चन आया है कैसे आया हिसाब से इस क्वेश्चन में है ना पेन बिना पेन रखे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था फिर भी कई बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिसिंग टर्म से इतना आसान क्वेश्चन आएगा ठीक है। तो कैसे आएगा क्यों आएगा कब आएगा किस लिए आएगा मुझे नहीं पता लेकिन आया था है अब आगे आएगा नहीं आएगा तो हम तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने कर दिया है। देखिए 7 कितना होता है 15 होता है 9 होता है 11 क्या लगेगा लगेगा 11 तो आएगा हम ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन था मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन नेक्स्ट आप चलेंगे तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मतलब आपका क्वेश्चन टेलोइज्म से लॉग स्केट आपको स्टेटमेंट दिए जाते तो जब स्टेटमेंट कंक्लूजन आएगा तो सेलोइज्म आता है। सेलोइज्म में क्या होता है कि आपको रिलेशन बताए जाते हैं कुछ वेन डायग्राम है आपको सिखाए जाते हैं। देखिए जी पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है ये स्टेटमेंट आपसे कंक्लूजन लिखे गए हैं तो आपको ये कौन सा सबसे पहले स्टेटमेंट है ऑल डॉट्स आर पॉइंट्स ऑल डॉट्स आर डायग्राम बनाना होता है ऑल डॉट्स आर पॉइंट सबसे पहले डायग्राम बना ऑल द डॉट्स क्या ऑल डॉट्स आर ऑल पॉइंट्स आर ऑल द पॉइंट सारे डॉट
ठीक है, डी से डॉट, पी से पॉइंट, एस से। अब कंक्लूजन बताना बेटा इस डायग्राम से, कौन सा कंक्लूजन? पहला कंक्लूजन है सम, बाहर स्पोर्ट, पहला कंक्लूजन सही है, फर्स्ट कंक्लूजन इज एब्सोल्यूट। सेकंड बेटा, सम पॉइंट्स, सम पॉइंट पार्ट में डायग्राम में हम देख, हाँ जी हम देख हरे, मैंने सीधी बात है, मैंने सिर्फ यही ये पढ़ा, ये डायग्राम आया सामने आपके पास, क्या लगा डायग्राम देखा, आपको क्या लग रहा है? सम दिख रहा है तो दोनों के दोनों ठीक है, बोथ वन एंड टू, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये हमारे जो है क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए आज की क्लास में, लेकिन एक बात आपको समझ आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया सम का कोई भी आएगा लेकिन किस में होगा, उसको बात मत समझना कि सिलोजिज्म में जब भी सम आएगा वो ठीक है, नहीं, लेकिन मैं इस डायग्राम के लिए बता रहा हूँ, जब भी आपके डायग्राम ऐसे ऐसे बनेंगे, डायग्राम बनेंगे ठीक है, एक सर्कल और दूसरा पाँच बने, चार बने, जब इस तरह का डायग्राम है, जब डायग्राम क्या सम का हर एक केस का टॉपिक बन जाता है, तो इसमें दोनों के आंसर आ जाएगा, ठीक है हमारा आंसर आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको। अभी मुझे आपकी बात से ध्यान आया कि मुझे एक एनालॉजी का क्वेश्चन और करवाना था आज आप, तो मैंने देखा था एनालॉजी का क्वेश्चन था क्या बेटा, एनालॉजी का क्वेश्चन बड़ा सिंपल, एट इज रिलेटेड टू रिलेशन, तो आपको बताना था फाइव का रिलेशन। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 30, आपका बी ऑप्शन है 31, सी था, क्योंकि कई बच्चे मैं आपको बता ही देता हूँ, अब कई बच्चे इसमें गलतियाँ अब भी कर लेंगे। देखा सर, 8 को लिखें का क्यूब, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 5 होगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने ऑप्शन भी आपसे आंसर है ही नहीं ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन में लिखा 200 60। अब देखो क्या करते हैं सर, देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर, फिर स्क्वायर आएगा, लेकिन एनालॉजी का रूल होता है कि फर्स्ट का रिलेशन थर्ड का साथ साथ फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड में कैटेगरी का नंबर फर्स्ट है, अगर तो ये आप 8 से 9, अगर आप इस तरह चेक क्या नंबर, अब इसमें क्या आएगा देखो, यहाँ क्यूब तो यहाँ नहीं, स्क्वायर क्यूब है, क्यूब फाइव, फाइव का स्क्वायर, यहाँ पे अंतर में हम मैं बता दें 2 की पावर 3, पाँच की पावर 2 आ गया, ऊपर नीचे हो ये बना
ठीक है, फर्स्ट और थर्ड हमने बनाया इससे कौन सा 32 आ जाएगा, आ जाएगा 32। ठीक है, तो 4 2 8 2, ठीक है। तो आज का ये आपका स्पेशल क्वेश्चन था एनालॉजी का, होप सो आपको ये समझ आया। तो आज की क्लास में सिर्फ टेस्ट कम आपको बता दूंगा, साथ के साथ लगेंगे कि आपके दिल, बाकी की जो है मुलाकात आपसे अगली। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये क्लास अच्छी, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।